आप देखें, आज अतिक्रमण के नाम पर गरीब पाक विस्थापित महिलाओं के घरों को तोड़ दिया गया है। राजस्थान के आईएएस ऑफिसर टीना डाबी किसी न किसी बात को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। इस बार टीना डाबी फिर खबरों में है। इस बार वो अपने दिए गए आदेश की वजह से खबरों में है। टीना डाबी ने जैसलमेर शहर से सटे अमर सागर ग्राम पंचायत में आने वाली एक पाक विस्थापित हिंदुओं की एक झुग्गी को हटाने का आदेश दिया और भारी मात्रा में पुलिस बल की मौजूदगी में पाक विस्थापितों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें 40 घरों को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई पर यूटीआई के अधिकारियों का कहना है कि हमने पहले ही इन मकानों को अतिक्रमण के चलते चिन्हित कर दिया गया था और अतिक्रमण हटाने की सूचना भी दे दी गई थी। इस कार्रवाई के बाद पाक विस्थापित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और परिसर में धरना दे दिया। वहीं इस पूरी कार्रवाई पर पाक विस्थापितों का कहना है कि हम यहाँ पाकिस्तान में परेशान होकर आए थे, हमने सोचा था कि हमें अपनों का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद परेशानियों के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। एक तरफ जहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हमें शहर से 20 किलोमीटर बाहर कहीं जाने की परमिशन नहीं देती, वहीं यदि हम शहर के पास ही कोई आशियाना बनाकर रहते हैं तो जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई कर हमारे आशियाने हटा देती है। पाक विस्थापितों ने अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पास ही बने मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि शायद वह इस धरती पर जन्मे हैं, इस कारण उन्हें तौरियात मिल जाती है और हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब ऐसे में हम जाए भी तो कहाँ जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान तो जीते जी नहीं जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में आतंक और सरकार के दमन से बचकर किसी तरह भारत आए ये लोग काफी वक्त से अमर सागर में रह रहे थे, लेकिन जिला कलेक्टर टीना डाबी के आदेश पर इनके घरों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का इन हिंदू परिवारों की महिलाओं ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने इनके घरों को गिरा दिया और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, वो सड़क पर सामान बिखरा पड़ा है। बता दें कि पाकिस्तान में सताए गए हिंदू बड़ी संख्या में राजस्थान में बॉर्डर के पास के जिलों में आकर बसे हुए हैं। सीमा पार होने वाले उत्पीड़न से परेशान होकर भारत आए इन हिंदुओं की हालत यहाँ भी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके सिर पर छत थी और कम से कम बगैर किसी डर के अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हालांकि जैसलमेर प्रशासन की हालिया कार्रवाई ने इनके सामने एक बार फिर बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अब इन परिवारों के सिर पर ना तो छत और ना ही कोई ऐसा ठिकाना जिसे वे फिलहाल अपना कह सकें। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार झुग्गियों को तोड़ रही है, वहीं उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों की परेशानियों सुनने के लिए उनके बीच जा रहे हैं, उनके न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, पर राजस्थान में इस कार्रवाई पर उनकी आंखें क्यों बंद है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।